दहीफळे अँड मॅट्रोफिनिक्स मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, येथे हृदयावरील सर्व शस्त्रक्रिया मोफत होणार आहे। मोफत एंजियोग्राफी व एंजियोप्लास्टी शिबिर, हृदयावरील सर्व शस्त्रक्रिया उपलब्ध। हा शिबिर 20 जुलै ते 15 ऑगस्ट 2021 पर्यंत राहणार आहे। आमचा पत्ता आहे ABC कॉम्प्लेक्सच्या पाठीमागे जिल्हा न्यायालय समोर, अदालत रोड, औरंगाबाद। इंशाल्लाह काम तो बहुत अच्छे से करेंगे, क्योंकि हमको हमारे समाज के लोगों ने मुझे पूरे ज़िले के अंदर मुझे चुना गया और एक जवाबदारी दी कि यार हमारे इसमें ऐसा कोई है ही नहीं जो इतना पावरफुल कि तुम्हारे जैसा कोई काम कर सके। तो बिरादरी का अभी तक सभी काम करते आए, हमारे बिरादरी का भी मैं करता ही था, पर अब उन्होंने जवाबदारी दे दिए तो अब मुझे अच्छे से काम करना पड़ेगा। और मुझे कुछ तालुकों की जवाबदारी दी है तो हर तालुकों में जाके मुझे अपने अपने शाखा ओपन करके सब समाज को एक जगह लाना है, क्योंकि सभी समाज के एक एक सबके अलग अलग गट है। हमारे बिरादरी का गट नहीं था, अभी मैं सबको एक जगह लाया हूँ और बिरादरी ने मुझे शहर अध्यक्ष के एकदम पोस्ट दे दिए। मुझे ऐसा बोले नहीं, पर अचानक मैं ला के लेटर दे दिए और सरप्राइज़ दिए मुझे भी, तो मैं उनको मतलब बोल नहीं सका, तो फिर भी जवाबदारी को एक्सेप्ट कर लिया मैंने कि नहीं, मैं बोला जवाबदारी मैं लूँगा और अच्छे से अच्छा काम करूँगा बोल के। सर इसके अंदर एक हमने देखा है कि कुरैशी बिरादरी में जो है तो एजुकेशन को इतना महत्व देते नहीं, लेकिन आज का जो दौर चल रहा इसमें पढ़ाई की बहुत ज़्यादा अहमियत है। तो क्या आप अध्यक्ष बनने के बाद में एक मीटिंग वगैरह लेके बच्चों के एजुकेशन पे जोर डालने के लिए बात करेंगे? इंशाल्लाह ये ज़्यादा करके हर महीने के अंदर, हर 15 दिन के अंदर ये मुद्दे पर हमेशा मीटिंग होती रहेंगी। और मैं ये चीज़ समझाते रहूँगा कि हमारे लोगों में बहुत कम लोग है, ज़्यादा करके एजुकेशन में बहुत पीछे है, तो मैं उनको वो समझाऊंगा कि पढ़ाई लिखाई में ज़्यादा ध्यान दो, एजुकेशन में ज़्यादा ध्यान दो, और जहाँ भी कुछ प्रॉब्लम आता है वहाँ मैं वो चीज़ को सपोर्ट करूँगा और समाज के लिए भी काम करूँगा इंशाल्लाह। मैं जी एक आखिरी सवाल, जो कोरोना काल चल रहा है, हम जहाँ पर भी जाते हैं हमारे गेस्ट से हम ये ज़रूर आह्वान करने के लिए कहते हैं कि जो कोरोना काल की जो गाइडलाइंस गवर्नमेंट ने दी उसके बारे में आप जनता को क्या कहेंगे, किस तरीके से रहना है? और अब एक खुशखबरी ये है कि 8 बजे तक के खुल गया, तो कुछ आह्वान अगर आप करेंगे हमारे दर्शकों के लिए? हमारा ये बोलना है कि जितने मतलब उसका इस्तेमाल करें और जितनी दूर डिस्टेंस रखे उतना सबका फायदा है। और जो भी मतलब अभी हालात ऐसी चल रही है, मतलब तुम्हें सब पता है, तो वो हिसाब से वो हालात का मुकाबला करना चाहिए और एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए, एक दूसरे को भाईपना से मतलब लेके चलना चाहिए उनको। सब सर एक आखिरी सवाल ऐसा रहेगा सर, राजकारण में आगे आपकी आगे की भूमिका क्या है आगे? अभी क्या है राजकारण के तो अभी मसला नहीं है, सब एक दूसरे हालात ऐसे खराब है कि सब परेशान है अभी लोग। तो अभी राजकारण के अंदर ऐसा है कि अभी फिलहाल में इलेक्शन भी नहीं है, इलेक्शन के अंदर कुछ काम है, बस समाज सेवा कर रहे हैं, अभी कोई पार्टी नहीं, कोई कुछ भी नहीं। अभी सब जो जिधर से फोन है अपन उधर ही भाग रहे हैं, जिसकी जो जिसकी मदद करना है अपन वो चीज़ की मदद कर रहे हैं, अभी हालत ही वैसी है अभी फिलहाल में। एक आखिरी सवाल पूछना चाहूँगा आपकी इजाज़त है, शिवसेना पार्टी जो है तो अब मुस्लिम एरियों के अंदर अपनी शाखाएँ खोलने में लगी है, BJP भी मुसलमानों को अपनी तरफ करने में लगी है, आपको लगता है कि जो ग्रीन पट्टी के डेवलपमेंट नहीं होते हैं उसके जिम्मेदार अपन खुद है, अपने जो कारपोरेटर है वो खुद है, या फिर इसके पीछे प्रशासन नज़रअंदाज करती है? देखो ये सारे मसले हल कब होंगे मालूम क्या, जो सत्ताधारी पार्टी है अभी फिलहाल में यूटी के अंदर जो काम चल रहे हैं बहुत अच्छे से काम चल रहे हैं, और उसमें राष्ट्रवादी कांग्रेस शिवसेना जो मिलके काम कर रही बहुत अच्छे से काम कर रही है। तो मेरा बोलना आता है कि ये पार्टी को अपने सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि ये जो पार्टी आई हुई है दूसरी, इनका यहाँ काम कुछ भी नहीं है और उल्टा इनकी वजह से पूरा डेवलपमेंट पीछे होते चला अपना। मतदान दानवे का बहुत बड़ा बयान आया था कि एक बार हमारे हाथ में देके देखो, हमारे सीट यहाँ से चुन के दो, हम ग्रीन पट्टे को किस तरीके से सुधार देते हैं, आपको क्या लगता है वादा पूरा करेंगे? इंशाल्लाह वो सत्ता में है ना, सत्ता में रहने का तो बेनिफिट बहुत बड़ा मिलता है, उनके साथ में राष्ट्रवादी है, कांग्रेस है, ये सब मिलके तो पूरा एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे ना, और सपोर्ट से रहा तो इंशाल्लाह पूरा शहर का सुधार भी कर सकते हो पूरा। आप उनके बयान से सहमत है मुसलमानों ने एक बार शिवसेना को आजमाना चाहिए? बिल्कुल आजमाना चाहिए, क्यों? क्योंकि शिवसेना ऐसी गलत पार्टी भी नहीं है, क्योंकि सत्ता में अभी सत्ता में रहने के बाद में शिवसेना ऐसे कौन सा गलत काम करे ये मुझे बताओ तुम, क्योंकि उद्धव ठाकरे का जो काम चल रहा है फिलहाल में तो उनको तो मुस्लिम लोगों तो बहुत लाइक करने लगे फिलहाल में, मेरे को नहीं लगता कि पूरे जितने भी शहर में के ग्रामीण के, मेरे को ज़्यादा लगता कि उनके राष्ट्रवादी कांग्रेस और शिवसेना इसके सिवा तो कोई छोड़ के नहीं जाएंगे, पूरी युति की सीट आने वाले हैं इंशाल्लाह अभी।